धन आवश्यक है ऋषि यंत्र, क्योंकि धन मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होता है। किंतु जब कोई व्यक्ति इच्छाओं को आवश्यकता समझने लगे तो धन कितना ही क्यों ना पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि इच्छाएं अंतहीन है। इसलिए मनुष्य कभी ना समाप्त होने वाली इच्छाओं की पूर्ति हेतु धन संचय को ही अपने जीवन का लक्ष्य समझ लेता है। वो लोभी बन जाता है। वो भूल जाता है कि उसके जीवन का मुख्य लक्ष्य ईश्वर के समीप आना है। ऐसे लोभी व्यक्तियों को अपनी मृत्यु के समय भी यही दुख रहता है कि उन्होंने क्या कुछ नहीं पाया, क्या शेष रह गया। ऐसे समय में वो एक क्षण के लिए भी ईश्वर का स्मरण नहीं करते, अपने जीवन की निरर्थकता और व्यर्थता का बोध नहीं होता। धन चाहे कितना भी हो ऋषियत्र, मूल आवश्यकताएं तो केवल उतनी ही। धन ढकने के लिए वस्त्र, पेट भरने के लिए आहार और शरण के लिए भवन, आवश्यकताओं के पूर्ण होने के पश्चात जो भी है वो इच्छा है। धनी व्यक्ति के पास जो भी अतिरिक्त धन होता है वो उसे दान करना चाहिए, उनके उद्धार के लिए जो अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते। ऐसा करने से संसार में समानता होगी, वेश नहीं होगा, सद्भावना बनी रहेगी। किंतु कुछ व्यक्ति इस तथ्य को समझ ही नहीं पाते। उन्हें अपने एकत्रित किए हुए धन से इतना मोह हो जाता है कि वो उसका एक अंश भी किसी और को नहीं देना चाहते। ऐसे व्यक्तियों की सूची में सर्वप्रथम स्थान कुबेर का है। इस संसार में सबसे अधिक धन उन्हीं के। शक्तिशाली बनना अत्यंत कठिन है, किंतु उससे भी कठिन होता है शक्तिशाली बने रहना। और इसके लिए आवश्यक है कि हम शक्तियों से प्राप्त हुए उत्तरदायित्व का सम्मान करें। अन्यथा हम स्वयं पर निरंतर खो देते हैं और यह हमारे पतन का कारण बनता है। युद्ध में की गई भूल और उपलब्धियों से कुछ न कुछ सीखना आवश्यक है का देखें। बुराई और अच्छाई के मध्य ये युद्ध निरंतर चलता रहेगा। आज एक अध्याय समाप्त हुआ है, कल दूसरा अध्याय आरंभ होगा। जब तक इस समस्त संसार में बुराई है तो अच्छाई भी होगी, किंतु अच्छाई और बुराई के युद्ध में जीत सदैव अच्छाई की ही होगी। आध्यात्मिक कार्य के लिए शरीर की मांओं को और अहम को तोड़ना और उसे पार करना